सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर। साथ में आप लोग देखोगे भी HAL, ठीक है, और BDL जैसी स्टॉक्स में भी आज हमें जो ना अभी थोड़ा बहुत दबाव में दिखाई दे रही हैं। थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है, बट पैनिक नहीं होना, अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन शेयरों को बेचने का टाइम नहीं है, ठीक है। HAL, BDL जैसे स्टॉक्स जो आप लोग देखोगे 25-25%, 30-30% की गिरावट में मिल रहे हैं, और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इन शेयरों को अभी कंसिडर करना, होल्ड करना है अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो अभी इस भाव से, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भी BEL है। यहाँ पर हमें दो बड़ी खबरें देखने को मिली थी। एक तो आप लोग देखोगे रेलसाइड जो कनाडा की एक कंपनी है उसके साथ जो भी इन्होंने साझेदारी की है, और ये जो ना अभी स्पेस सेक्टर के अंदर एंट्री मार ली इसने इस के बाद, ठीक है। तो एक और बड़ी खबर आई है अभी, एक और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ जो अभी इन्होंने एक और कोलैबोरेट किया है अभी, और इस कोलैबोरेशन के बाद भी स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा एक्शन दे सकता है आने वाले टाइम में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी क्या खबर है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये न्यूज़ तो सभी ने आई थिंक देख ली होगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स साइन एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट हुआ वो आप लोग देखोगे, ये हमें देखने को मिला है अभी रेलिया साठ के साथ। तो रेलिया साठ के साथ आप लोग देखोगे ये साइन हुआ है, कोलेबोरेशन हुआ है, तो इसके बारे में कंपनी ने बताया है जो कि स्पेस प्रोडक्ट्स के ऊपर किया गया है भाई, ठीक है। तो ये कंपनी ने डिटेल जानकारी दी है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया था, आप लोग भी इसे एक बार देख सकते हो अभी। तो बेल ने ये जो ना अभी बड़ी न्यूज़ दी थी, और इसके बाद स्टॉक हमें जो ना अभी ये तेज़ी में भी दिखाई दिया, नीचे के भाव से रिकवरी स्टॉक में बनते हुए नजर आई है। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ एक और न्यूज़। तो ये देखोगे भी जो दूसरी न्यूज़ है वो हमें देखने को मिली है जो PSU वॉच है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ARIES एंड BEL कोलैबोरेट टू एनहेंस इंडिया स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इनकी जो नबी स्पेस में फिर से एंट्री हुई है, यहाँ पर देख सकते हो भी इन ए मेजर डेवलपमेंट फॉर इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। तो इसके साथ यानी कि ARIES के साथ जो नबी इन्होंने ये कोलेबोरेशन किया है, यहाँ पर देखोगे एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि MOU साइन किया है विद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ए नवरत्न डिफेंस PSU और द पार्टनरशिप एम। तो इस पार्टनरशिप का जो इनका एम है यानी कि जो लक्ष्य है, ठीक है, तो वो क्या है भाई, इनका उद्देश्य क्या है, डेवलप क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेकिंग स्पेस ऑब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो इंडिया अर्थ के आसपास जो आप लोग देखो कृत्रिम उपग्रहों पर जो नज़रें हैं वो रखने के लिए ये महत्वपूर्ण जो तकनीकी है इसके लिए आप लोग देखोगे ये क्या बोलते हैं जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इसके लिए इसका कोलैबोरेशन किया गया है, ठीक है। एज पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग फोकस ऑन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी कि जो आप लोग देखोगे अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस स्थिति जागरूकता, ठीक है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, तो SSA, तो ये होता है भाई अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता पर जो ना भी भारत के बढ़ते फोकस का हिस्सा है। तो ये कंपनी की तरफ से आप लोग देखोगे, अब तक देखो भी कंपनी ने इन दोनों खबरों के ऊपर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, जबकि NSE BSE एक्सचेंजेस ने क्लेरिफिकेशन मांगा है क्या ये जो न्यूज़ आई है ये सही है या फिर गलत है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर एक तो रेलसाइट जो कनाडा की कंपनी उसके साथ जो स्पेस सेक्टर में एंट्री ली है, इसके बाद ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ भी इनका जो ना अभी कोलैबोरेशन हो गया है। तो इन सबको देखते हुए कंपनी अंतरिक्ष सेक्टर में जो है स्पेस सेक्टर में जो ना अभी अपने कदम रख चुकी है। तो इन सबको देखते हुए आने वाले टाइम में बेल हमें एक ज़बरदस्त उछाल दे सकते हैं। तो चलिए एक बार बेल का चार्ट देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देखोगे बेल काफ़ी टाइम से हमें गिरावट में दिखाई दे रहा है अभी ऊपर से, अभी टाइम स्टॉक जो ना अभी ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ है, काफ़ी टाइम से स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, और इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करते हैं तो यहाँ से एक ज़बरदस्त रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, और इस रिवर्सल के चलते स्टॉक हमें ऊपर में 300 प्लस के मूव दिखा सकता है, 303 एंड उसके बाद 323, ये दो टारगेट हमें आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर पैसा लगाया है लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो, तो ऐसा नहीं देखो भी आज खरीदा और कल बेच दिया, नहीं, इसे होल्ड करना पड़ेगा, या फिर जिसको रिस्क नहीं लेना
276 का सपोर्ट है या फिर नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 256 का है। तो जो भाई मेरी तरह लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं, ये सपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर स्टॉक ऊपर से गिरेगा 5-7% 10% तो ओवर एड कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी लॉन्ग टर्म वालों के लिए, बट शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड वाले उनके लिए 276 और 256 जो सही लगे आपको वो सपोर्ट के तौर पर लेवल लेके चल सकते हो। तो यहाँ से शेयर में अच्छा मूव आ सकता है। दूसरा HCL और BDL है, उन शेयरों को भी होल्ड करना है, बेचना नहीं है भाई। खबरें वहाँ पर कोई आई नहीं, आएगी तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।